भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों के बीच में कौन कौन हैं? ये नाम अधिकांश आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के अब चर्चा आगे होगी। एक लिस्ट जारी किया गया है जिस लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल थे जो नीतीश कुमार के साथ छल किए, धोखा किए, बैकफुट पर लेकर के गए। आपको बता दें कि यह लिस्ट आ गई है सामने और इसको लेकर के जितनी भी बातें कही जाए वो लगभग आप जानते हैं, लेकिन जब इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमारे साथ साजिश हुई है और ये बातें जब लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोग कहना शुरू कर दें तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए अनजान थे, क्योंकि सत्ता मिल रही थी। अब सत्ता के संघर्ष में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को इस बात का मलाल है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। किन लोगों के कारण बने हैं लगभग सभी नाम आप जानते हैं, लेकिन इन सब बातों को लेकर के ललन सिंह ने जो अपना बयान दिया है उन्होंने साफ तरीके से कहा है, हमने पहले भी आपको बताया है कि ललन सिंह का शैली बदल गया है, उनके बात करने का भाव बदल गया है, और ललन सिंह से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ हुए भारी षड्यंत्र भीतरघात की खासी चर्चा हुई है, लेकिन उन्होंने लिस्ट में नाम बताने से इनकार करते हुए कहा है कि कौन नहीं जानता है कि तब क्या क्या और कैसे कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे किन्होंने हमें 43 पर सिमटने के लिए मजबूर किया, जबकि बिहार की जनता ऐसा नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे जनाधार में कोई कमी आई है, हमारे चलते कई दल हैं जो बेहतर परिणाम दे पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आज भी हैं जो बिहार के जनता के कहीं ना कहीं चाहने पर हैं। इन सारी बातों को लेकर के अगर अगली बात आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर उन्होंने साफ तरीके से कहा और इस बात को समर्थन किया है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निखिल मंडल ने। निखिल मंडल पिछले चुनाव में खुद चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बात को रखते हुए बड़ा ही वक्त के हिसाब से मौजू बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है, मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा था, समझ ही नहीं आया कौन अपने थे और कौन पराए। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत शेर लिखा है, हम बताते हैं आपको, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के एक बार फिर कसीदाकारी करने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें से या तो सुई कहीं खो गया है या फिर धागा नहीं मिल रहा है, जिससे कि ये कसीदाकारी करके उस जो छेद है उसे छुपाया जाए। लिखते हैं निखिल मंडल कि सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। कौन से दुश्मन हैं और किस तरह के दुश्मन को खानदानी खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सवाल आप तक छोड़ करके हम जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पर अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।